नमस्कार, एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने माता पिता का सेवा अवश्य करते होंगे। और मैं महामाई थामे वाली से विनती करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, अपने काम में कामयाबी पाइए। दोस्तों, आज लाइव आने का मेन मकसद मेरा यह है कि जो ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पटिशन आप लोग पार्टिसिपेंट किए हैं उसको एक महीना के लिए होल्ड कर दिया गया है। रीज़न कि मेरे माताजी का देहांत हो गया और माँ बाप का मैं अकेला ही लड़का हूँ, तो छुत का जो होता है दगहा वो मैं ही लिया हूँ। तो मैं घंट में पानी डालने के लिए गया था तो मेरे दिमाग में आया कि आज का मैसेज जो है, जो मेरे साथ घटना हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करूँ कि ये चीज़ आप लोगों को पता लग जाए। तो दोस्तों, एक महीने के लिए होल्ड हो गया है और आप लोग इस एक महीना में रियाज पर पूरा ध्यान रखें। और सबसे पहले विशेष ध्यान रखें कि आपको सुंदर ही गीत का प्रयोग करना है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। मैं बार बार हर एक वीडियो में, मैं वीडियो स्टूडियो से भी शूट करता था, तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देते आया हूँ, क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद है कि भोजपुरी हिंदी में एक नया पहचान बनाना। संगीत का परिभाषा आप लोगों को हमेशा मैं बताते आया हूँ कि सस सरस्वती, सस साधना, सस संगीत, सस सरस्वती और सस संसार, ये सारे चीज़ें मिला करके संगीत होता है। और संगीत जहाँ नहीं है वो कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर संगीत नहीं है वो फिर अधूरा है। तो दोस्तों, आप लोग, हम लोग कलाकार हैं और हम लोगों का विचार में यही रहना चाहिए कि ये गीत संगीत ऐसा हम लोग गाएं बजाएं कि हर एक घर में माँ बहन बेटी के साथ बैठ करके सुना जाए और इंटरटेन करा जाए। तो ये विशेष ध्यान रखें। और मैं पर्सनली अपना बात आप लोग से बताने जा रहा हूँ कि, और एक और बात कि बहुत भाई हमारे फ़ोन कर रहे हैं अभी भी कि सर पार्टिसिपेंट मैं करना चाहता हूं, तो मैं मना कर देता था कि पार्टिसिपेंट का डेट ख़त्म हो गया। तो एक महीना टाइम है, अगर जो आप पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं, अगर जो पार्टिसिपेंट नहीं किए हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। अब मैं पर्सनल अपना बात मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि आप लोग अगर जो कहीं भी हैं, आप बॉम्बे, सूरत, गुजरात, कलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, मैं तो अभी प्रेजेंट टाइम दिल्ली में हूँ और नोएडा के पार्क में बैठा हूँ, नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी के पार्क में बैठा हूँ, अमिताभ बच्चन पार्क में। तो आप लोगों को मैं पहले बताया कि मैं घंट में पानी डालने के लिए आया था, तो मुझे पार्क नज़र आया और मेरे दिल में आया कि मैं ये मैसेज डाल दूँ, क्योंकि बहुत भाई हमारे परेशान होते होंगे कि आखिर क्यों नहीं एमएम टैलेंट पे हम लोगों का वीडियो रिलीज हो रहा है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और मैं जो मैं आग दिया हूँ माता जी का, ये सारा वीडियो अपलोड आप लोगों को फोटो नज़र आएगा और सारा इसमें मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना कठिनाइयां का सामना किया, कितना हॉस्पिटल में भागा। वही मैं मैसेज मैं देते दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कहीं भी हैं, जर बुखार हो रहा है, ईश्वर ना करें, महामाई थामे वाली ना करें कि आप लोगों को कुछ ऐसा हो। कुछ भी अगर जो ऐसा हो जाता है बाई दफे, तो कृपया अपने नज़दीकी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से दवा लाकर ही खाएं और अपने घर में आराम करें, या फिर छोटा मोटा क्लिनिक में जा करके और इलाज करवाएं। बड़े हॉस्पिटल में बिल्कुल ना जाएं, वहाँ आप जिंदा जाएंगे, वहाँ से मुर्दा आएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपने माताजी को लेकर के 3 घंटा एम्बुलेंस में लेकर के चक्कर काटा, बिशन हॉस्पिटल में गया, एंड में प्राइवेट में गया, कहीं बेड सीट खाली नहीं है, वेंटिलेटर का ज़रूरत था, वेंटिलेटर की वजह से मेरे माताजी का देहांत हो गया। और हम लोग परिस्थिति, आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। तो यह चीज़ हमारे ऊपर बीती हुई है, ये आप लोगों के ऊपर ना बीते, इसलिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को। और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखें, उनका खान पीन पे ध्यान रखें, घर में सफाई पे ध्यान रखें। शरीर है, जान है तो जहान है, तो ये विशेष ध्यान रखें। और आप लोगों को बता दूँ कि ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये डॉक्टर के नाम पे कसाई हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है एकदम, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं खुद एक इतना बड़ा लिंक है मेरा, इतना बड़ा मैं सोशल साइड नेटवर्किंग का एक एंकिंग करता हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं चल पा रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक गरीब के साथ, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो दोस्तों, आप लोग विशेष ध्यान रखें, मेरा इतना सब कुछ आप लोगों से मैं अपना दिल की बातें बता रहा हूँ कि, और आप लोग इस बात पे ध्यान रखें कि हॉस्पिटल बिल्कुल ना जाएं, नज़दीकी छोटा मोटा
मेडिकल से या क्लिनिक से अपना इलाज करवाएं, मेडिकल स्टोर से दवा लाएं और उसी को खा करके आप आराम करें। और बाकी बात सारा काम आप ईश्वर पे छोड़ दें, महामारी थामे वाली पे छोड़ दें, सब होता रहेगा। ये अब मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि ईश्वर पे आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो आपको कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, धरती पे डॉक्टर के नाम पे कसाई है। मैं ये जानता था कि डॉक्टर सेकेंड गॉड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आँखें खुल गई कि क्योंकि मैं पहले ये सब चक्कर में नहीं था, मैं जाता नहीं था, मैं सिर्फ स्टूडियो, स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, शूटिंग वोटिंग का काम हमारा। जानते हैं कि हम लोग एक कलाकार हैं, मैं वीडियो डायरेक्टर हूँ, ये सबसे ध्यान हमको नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आज सर पे पड़ी तो हमको समझ में आया और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, हम सब भाई भाई हैं। हम सब भाई को मिल करके और अपने भारत माता के लिए कुछ अच्छा वर्क करना है। गीत संगीत एक सुंदर सा ला करके हम अपने पब्लिक के बीच, अपने भाइयों के बीच अच्छा सुंदर इंटरटेन कराना है। ऐसा गीत संगीत का प्रयोग करें कि हम अपने भाई बहन पिता कुल समान हर एक परिवार में बैठकर सुने और उसका आनंद लें, इंटरटेन करें। तो दोस्तों, ये विशेष आप ध्यान रखें। और मैसेज मैं एक और देना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द एक ऐसा मैं संस्था खोल रहा हूँ जिस संस्था का नाम है हमारा परिवार। हमारा परिवार संस्था, ये जैसे कोरोना काल का, महामारी का जैसे ये खत्म होगा तो इसमें हम लोग एक संस्था बनाएंगे, हमारा परिवार। हमारा परिवार में संस्था का नाम रहेगा। हम सब भाई मिल करके, जुट हो करके एक काम करेंगे और हमारा परिवार का मेन मकसद रहेगा कि जितने भी हमारे गरीब भाई, किसी भी भाई का दुख हुआ उसमें हमें सपोर्ट करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक, लेकिन हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि MM टैलेंट ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जो भी भाई हमारे पार्टिसिपेंट किए हैं उनसे पर्सनल ये खास मैसेज है कि एक महीने के लिए शो को होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि मैं पहले भी बताया इस वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे माताजी का देहांत हो गया और छुटका यानी कि दगा मैं ही लिया हूँ। और जो भाई पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके अपना नाम नामांकन करवा सकते हैं। जी हाँ, और कब से कब आपको, कब से वीडियो भेजना शुरू कर देना है, कब से कॉम्पिटिशन आपको करना शुरू कर देना है, सारा नया नया अपडेट मैं देता रहूँगा, घर में ही बैठ के देता रहूँगा, लाइव आ करके देता रहूँगा। आपको कहीं घबराने की, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, विशेष ध्यान कि अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई पे, बहन पे, जो भी बुजुर्ग लोग हैं सबको, अपने परिवार पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और अपने माता पिता का सेवा करना है, सर सफाई पे ध्यान रखना है, हाथ को हमेशा सैनिटाइज करना है और घर से कम ही बाहर निकलें, क्योंकि अभी हम लोगों का ऊपर, जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, गरीब भाई के ही ऊपर, मिडिल भाई के ही ऊपर कोरोना काल है, बड़े भाई पे नहीं है भाई। क्योंकि जहाँ चुनाव हो रहा है, रैलियाँ हो रही हैं, लाखों की संख्या में भीड़ है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, और जहाँ पे भीड़ नहीं है, जहाँ पे चुनाव नहीं है, वहाँ पे कोरोना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का अभी देश का क्या हालत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर करके पूरे पब्लिक को गवर्नमेंट मूर्ख बना रही है। लेकिन अब हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम सब भाई को मिल करके एक अलग पहचान बनाना है। आज के डेट में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग आज से कदम नहीं उठाएंगे तो कल के डेट में हम लोगों का, आने वाले पीढ़ी में हमारे बाल बच्चा सबको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें, बहुत जल्द, जैसा ये 15 दिन 16 दिन लगता है इससे मैं निकलता हूँ तो अपने देश के लिए, मैं तो बचपना से मैं अपने देश के लिए करते हुए आ रहा हूँ और जब तक जीऊँगा, जब तक अपने देश के लिए करता रहूँगा, अपने भाई मित्र के लिए करता रहूँगा, जो मेरे पास है उतने ही से मैं शामिल रहूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक भाई मित्र, आप लोग अपना ख्याल रखें और बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें और विशेष ध्यान कि आप हॉस्पिटल में ना जाएं। आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय, माय लव इंडिया।